यो, तो होपफुली आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि करीब 2 महीनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ। पर नाउ आई एम बैक, और आज हम देखने वाले हैं ब्यूटी हैक्स टू मेक यू अ स्टार बाई 5 मिनट क्राफ्ट। तो चलो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहली बात तो, कितने सालों से ब्रश ना करने पर किसी के दांतों का ये हाल हो सकता है। पर इस बार मैं ओवर एक्टिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं करने वाली, क्योंकि मैं भी उसके सामने होती तो ऐसे ही करती। बहन मेरी बात सुन लो, ब्रश कर लो, इतनी झंझट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब दिन में एक बार भी 5 मिनट के लिए भी ये अपने दांतों को ब्रश कर लेती ना, तो इसके दांतों की आज ये हालत ना होती। मतलब इतना सारा टूथपेस्ट वेस्ट कर दिया, और वो भी 1 टाइम यूज के लिए। भाई माना तुम 5 मिनट क्राफ्ट में हो, तुम्हारे पास टूथपेस्ट का भंडार होगा वेस्ट करने के लिए, सबके पास नहीं होता ना। यहाँ हम देखते हैं कि ये मोहतरमा टूथपेस्ट नहीं निकाल पा रही है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई है इस बात को लेकर। पर अब ये हमें बताने वाली है एक ऐसा हैक जिससे आप लोग आराम से टूथपेस्ट निकाल पाओगे। अरे वाह, मतलब 20 रुपए का टूथपेस्ट निकालने के लिए मैं 20 लाख की गाड़ी खरीदूं। और देखो ये तो वो पहले वाला टूथपेस्ट भी नहीं है यार, ये तो आधा भरा हुआ है। मतलब कुछ भी 5 मिनट क्राफ्ट वालों, ये जो तुमने हमारे साथ धोखेबाजी की है ना, मैं बता रही हूँ जनता माफ नहीं करेगी। अगले हैक में हम देखते हैं कि ये दीदी आराम से बैठ के जैम खा रही है, और अचानक से इन्हें लगता है कि ओ हो ये तो बहुत मोटी हो गई है, तो ये उठ के एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। पर एक्सरसाइज इनसे हो नहीं रही है, तो अब ये हमें बताएंगी कि इसके बाद हमें करना क्या है। अगर तुम्हारा पेट बढ़ गया हो और तुम्हें एक्सरसाइज से बड़ी एलर्जी हो रही हो, तो बस एक कॉन्टोर स्टिक उठाओ और अपने पेट पे ऐसे एब्स बना दो। मतलब भाई तुम ऐसे किसी के भी सामने जाओगे ना, वो तुमसे एक ही सवाल पूछेगा, हम गधे? जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, मत करो अपनी जिंदगी के साथ ऐसा, मत करो। अगर आपके ब्लैकहेड्स हुए हैं, तो आप इतना सारा ग्लू वेस्ट कर सकते हो, इतना सारा चारकोल पाउडर वेस्ट कर सकते हो, पर दुकान में जाके एक चारकोल मास्क नहीं खरीद सकते। वाह वाह मोदी जी वाह। तो
अगर आपके बाल फ्रिजी हो रहे हैं और आप व्हिप क्रीम खा रहे हैं तो आपके पास एक कमाल का हैक है ट्राई करने के लिए। आप इस क्रीम को अपने बालों में लगा दीजिए, क्योंकि शैम्पू खरीदने के पैसे तो आपके पास है नहीं, कंडीशनर भी नहीं खरीद सकते, आप तो बहुत गरीब है, पर व्हिप क्रीम आप खरीद सकते हो। और अब ये लड़की व्हिप क्रीम धो के स्ट्रेटनिंग करवा के यहाँ पर आई है और हमें कन्विंस करने की कोशिश करी है कि व्हिप क्रीम लगाने के बाद इसके बाल स्ट्रेट हो गए। यार इतना भी गधा मत समझो हम लोगों को, साफ साफ दिख रहा है यार। अच्छा तो पहली बात, अगर तुम्हारे पास इतने सारे वाइट कलर के हेयर एक्सटेंशंस खरीदने के पैसे हैं तो क्यों ना तुम उन्हीं कलर के एक्सटेंशंस खरीदो जो तुम्हें एक्चुअली में चाहिए। और दूसरी बात, अगर मेरे पास वाइट कलर के हेयर एक्सटेंशंस नहीं हो तो मैं अपने बालों को कैसे कलर करूँ? नहीं कर सकती क्या? गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती? मतलब अगर मुझे कलरिंग एक्सटेंशंस चाहिए तो मुझे वाइट कलर के एक्सटेंशंस खरीदने पड़ेंगे, फिर उनको इतना 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 कुछ करके कलर करना पड़ेगा और फिर उन्हें अपने बालों पर लगाऊं। मतलब मुझे तो लगा था हैक्स हमारे जिंदगी को आसान और किफायती बनाने के काम आते हैं, पर नहीं, ये तो हमारा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मोहतरमा हेयर स्टाइलिंग की कोई वीडियो करने वाली है, पर नहीं, इन्होंने अपने इतने लंबे बाल काट दिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लंबे बाल काट के ये क्या करने वाली है, तो चलो देखते हैं। अच्छा तो तुम्हारे पास मैक का आई शेडो बॉक्स है, पर एक ब्रश खरीदने के पैसे नहीं है। मतलब एक पेंसिल के पीछे से रबर निकाल के उसमें अपने बाल घुसेर के काट पीट के इतनी भद्दी सी और फालतू ब्रश बनाने की क्या जरूरत थी? और तो चलो मान भी लिया कि इन्होंने एक ब्रश बनाया, पर भाई इतने सारे बाल काटने की क्या जरूरत थी? लगता तो इतना सा था। बहन इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहो कि तुम्हारे होठ बड़े और लाल हो गए हैं। नहीं, तुम्हारे होठ सूज गए हैं। मतलब होठ पे रहे तो वसाबी लगा लिया, पता है वसाबी कितना तीखा होता है? मान लो किसी लड़की ने ये हैक ट्राई किया जिसको पता नहीं कि वसाबी होता क्या है, भाई उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। मत करो ऐसा, मत खेलो बेचारी लड़कियों के होठों के साथ। अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि कोई कपड़ा फट जाए तो उसे सिलाई करके दोबारा यूज कर सकते हैं। आपको पता था क्या? नहीं था ना? मैं 100% गारंटी देके बोली हूँ, इंडिया के हर मम्मी को पता है कि इसे कैसे सिलाई करता है और इन्हीं को ये हैक्स बोल के चला रहे हैं। बहन तुम्हारे ब्लेंडर को क्या पड़ोसी के कुत्ते ने चबाया है? मतलब ऐसी हालत कैसे हो सकती है ब्लेंडर की? यही होता है जब आप 40 साल पुराना ब्लेंडर मेकअप करने लेके बैठते हो। तो
बाद ये अपनी दोस्त जो बेचारी बस मार्शमेलोस खाना चाहती थी उससे जाके बिना पूछे दो मार्शमेलोस लेके आती है और एक खा भी लेती है और दूसरे को अपने मुंह में लपेटना स्टार्ट कर देती है। अब आप लोगों में से जिन्होंने भी मार्शमेलो खाए होंगे उन्हें पता होगा कि मार्शमेलो के ऊपर चीनी की एक कोटिंग रहती है। अगर आप सचमुच में ऐसे फाउंडेशन लगाएंगे तो आपके मुंह पे चीनी ही चीनी हो जाएगी। मतलब आप इसको ब्रश से भी लगा सकते थे, जरूरत पड़ने पर हाथ से भी लगाया जा सकता है, पर नहीं, हमें तो हैक्स करने हैं ना, हमें मार्शमेलो से ही लगाना होगा। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और अगली वीडियो मैं जल्दी देने की कोशिश करूंगी, एटलीस्ट 2 महीने तो नहीं लगने वाले, गारंटी देती हूँ। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो तो शेयर भी कर देना। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।